हम तीनों वादों का अध्ययन करेंगे और आज हम समाधानात्मक भौतिकवाद से शुरुआत कर रहे हैं। बाबा जी को स्मरण करते हुए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को मैं ज्ञापित करता हूँ। जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन्हीं का उसका स्रोत बाबा जी ही हैं, और स्वयं को एक विद्यार्थी के रूप में स्वीकारते हुए उस विनम्रता के साथ में मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि अगर उसमें कोई गलती होगी तो उसमें आगे हम सुधार करेंगे, और जो वरिष्ठ साथी हैं और आप सभी हैं, आप सभी का फीडबैक उसके लिए उपयोगी रहेगा। आज ये सुबह का समय में हम शुरू कर रहे हैं, सुबह 6 से 7 का, जो कि हम लोग मुझे अमरकंटक में हम बाबा जी के पास में जाते थे तो वहाँ पर हम लोग सर्वोदय लॉज में रुका करते थे और सुबह सुबह बाबा जी के पास में 5 साढ़े 5 बजे पहुंच जाया करते थे। तो ठंडी का समय होता था और हमारी बिटिया उस समय छोटी ही थी, 4 साढ़े 4 साल की, तो उसको गोदी में लेकर वो सोई होती थी। तो बाबा जी के यहाँ पर सुबह सुबह पहुंच जाते थे हम लोग, और कभी कभी वही दरवाजा खोला करते थे, कभी अम्बा दीदी, और अंदर वहाँ काफी ना वार्म रहता था बाबा जी के, जहाँ बाहर के पुराने वाले घर में, जहाँ नर्मदा मंदिर के सामने उनका धर्मशाला में जहाँ रहते थे, तो वहाँ पर वहाँ सुबह सुबह पहुँच जाते थे और वो बैठ जाते थे और फिर हम लोग जो है अपने पास में बैठा के करते थे। अम्बा दीदी चाय बनाकर ले आती थी सुबह, और बहुत सुबह के सेशन को आई रियली यूज टू लुक फॉरवर्ड टू इट। मतलब सुबह का समय में बहुत अच्छे से बात हो पाती थी, और जब भी हम जाते थे तो मैं पहले से सोच के रखता था कि इस बार 4 या 5 या 6 सेशंस रहेंगे सुबह के। तो और पिछले दिन सेशन से पहले बाबा जी को हम लोग ऐसे कह रहे थे, बाबा जी अब कल सुबह इस बारे में बात करेंगे। तो सुबह के सेशन में काफी वो फ्री फ्लो रहता था, तो एक तरीके से वो खुलकर एक बात को रखते थे, बहुत ज्यादा इंटरप्शन हम लोग उसमें नहीं करते थे। तो ये वो बहुत अच्छी स्मृतियां हैं उसकी। तो मुझे आशा है कि ये सुबह के सेशन में हम सभी के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो विदाउट मच एडू लेट्स स्टार्ट, है ना, हम इसको शुरू करते हैं। समाधानात्मक भौतिकवाद का अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन बनाम मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद समाधानात्मक भौतिकवाद, प्रणेता एवं लेखक ए नागराज, श्री भजनाश्रम, श्री नर्मदांचल। तो पहले इसमें पेज में ये मूल अवधारणाएं हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। द्वंद्व व संघर्ष के स्थान पर समाधान के रूप में यह समाधानात्मक भौतिकवाद प्रबंध के रूप में प्रस्तुत है। तो ये बात ठीक है, तो इसमें मतलब ये क्या है, संसार में जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति में, ये संघर्ष नहीं है जबकि बल्कि एक समाधान के रूप में। तो यहाँ पे एक भौतिकवाद भी है, लेकिन भौतिकवाद समाधान के अर्थ में, समाधान समाधानात्मक यानी समाधान के अर्थ में भौतिकवाद है, ठीक है ना। तो भौतिकवाद जो कि इतना एक प्रकार से सभी लोग उसको कहते ही हैं कि केवल भौतिकता का है, यहाँ पे भौतिकता के ऊपर भी ध्यान है, पर ये भी ध्यान दिलाया गया है कि वो समाधान के अर्थ में है। दूसरा, शास्त्र रूपी पुस्तक और यंत्र प्रमाण के स्थान पर जागृत मानव ही प्रमाण का आधार होना यह प्रतिपादित है। तो शास्त्र के रूप में प्रमाण आदर्शवाद ने बताया और यंत्र प्रमाण भौतिकवाद या विज्ञान ने बताया, तो इनके स्थान पर जागृत मानव ही प्रमाण का आधार होना, है ना। तो प्रमाण का आधार को मानव को ही प्रमाण का आधार बताया, तो ये इसका मूल प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। भक्ति विरक्ति एकांत संग्रह सुविधा और भोगवाद के स्थान पर सह अस्तित्ववाद और व्यवस्था में समाधान समृद्धि अभय वर्तमान में विश्वास इंगित होने के अर्थ में यह प्रस्तुत है ना। तो एक
तो दोनों आदर्शवाद से लक्ष्य निकलता है भक्ति व्यक्ति और एकांत, है ना, और भौतिकवाद से लक्ष्य निकलता है संग्रह सुविधा, और वाद के रूप में भोगवाद निकलता है। तो उसके स्थान पर सह अस्तित्ववाद और व्यवस्था में समाधान समृद्धि अभय इंगित होने के अर्थ में यह प्रस्तुत है। विचार में समाधान, अनुभव में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के स्थान पर ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत होने के प्रतिपादन के रूप में प्रस्तुत है। रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन और अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित भौतिकवादी विचार के विकल्प के रूप में यह अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित सह अस्तित्ववादी चिंतन प्रस्तुत है। ठीक है, तो इससे पहले वाले सूत्र में ये बोला कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना, ये हमें प्रतिपादन मिलता है कि ईश्वर जो है वो सत्य है, लेकिन ये जो संसार है ये वो माया है, है ना, एक मिथ्या है, झूठ है, इस रूप में प्रतिपादन मिलता है। ठीक है, तो उसके स्थान पर यहाँ क्या कहा गया है, ब्रह्म सत्य जगत शाश्वत, है ना, तो उस अर्थ में मतलब ये जो संसार है ये मिथ्या नहीं है, ये निरंतर बने रहने के रूप में है, है ना। फिर अगला सूत्र है रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन। तो आदर्शवादी चिंतन जो है वो मूल में रहस्य है, है ना, तो उसमें ईश्वर भी रहस्य है और देवी देवताएं भी रहस्य है। तो रहस्य मूलक आदर्शवादी चिंतन और अस्थिरता अनिश्चयता मूलक वस्तु केंद्रित, है ना, तो भौतिकवादी विचारधारा के बारे में कहा वो अस्थिरता और अनिश्चयता मूलक है तथा वस्तु केंद्रित है, यानी भौतिक रासायनिक वस्तु केंद्रित है, तो वो भौतिकवादी विचार इनके विकल्प के रूप में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित, है ना, यानी जो है उसको मूल बनाया, है ना, उसको उसके ऊपर आधारित सारी प्रस्तुति की, और मानव केंद्रित यानी मानव को उसके केंद्र में रखा, मानव ही देखने वाला है इसलिए मानव केंद्रित सह अस्तित्ववादी चिंतन प्रस्तुत है। तो ये मूल अवधारणाएं इससे पूरा होता है। आगे अपन इसमें विकल्प वाला हमने अलग से पढ़ लिया था, तो उसको हम स्किप करते हुए सीधे प्राकथन पर आ जाएंगे। तो यह मूल प्रबंध रूपी पुस्तक समाधानात्मक भौतिकवाद सहज नाम से प्रस्तुत है। यह अस्तित्व सहज सह अस्तित्व रूपी तथ्यों की अभिव्यक्ति है और मानव सहज ज्ञान विवेक व विज्ञान सम्मत तर्क संगत है। वाद का अर्थ भी यही है, एक संवाद। संवाद का मतलब है प्रयोजनों के अर्थ में तर्क। मानव अपने में पूर्णता के अर्थ में किए गए वार्तालाप का संवाद वाद तर्क करता है और मनुष्यत्र प्रकृति के साथ निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक विश्लेषण करता है। इसी क्रम में यह वाङ्मय मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। ठीक, तो इसमें ये बात हुई कि मूल प्रबंध रूपी समाधानात्मक भौतिकवाद ओके, आवाज नहीं आ रही है क्या, एक बार बताएंगे कि आवाज ठीक से आ रही है कि नहीं। आवाज ठीक से आ रही है या ठीक है ओके, तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इसमें हमने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा, तो समाधानात्मक भौतिकवाद के नाम से प्रस्तुत है। इसमें मानव सहज ज्ञान विवेक विज्ञान और तर्क संगत इसके अंदर प्रस्तुत है, है ना, और वाद का अर्थ भी यही है कि एक संवाद। संवाद का मतलब है प्रयोजनों के अर्थ में तर्क, है ना, तो संवाद का मतलब संवाद और गपशप या जनरल
चैट के अंदर क्या फर्क है? तो संवाद जो है वो प्रयोजन के अर्थ में तर्क की प्रस्तुति है। तो मानव अपने में पूर्णता के अर्थ में किए गए वार्तालाप का संवाद वाद और तर्क करता है, और साथ में मनुष्य उत्तर प्रकृति के साथ निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण पूर्वक विश्लेषण करता है। इसी क्रम में ये वाङ्मय मानव कुल के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। मानव कुल सुदूर विगत से ही दर्शन विचार या वाद और शास्त्र विधाओं में अपने को संप्रेषित करने का प्रयास करते आया है। इसी क्रम में प्रस्तुति स्वरूप एक प्रमाण है, है ना? तो ये प्रस्तुति भी एक प्रमाण के रूप में रखी गई है। इस प्रस्तुति के नामकरण से संबंधित स्वीकृतियां मानव सहज हैं। इसका नामकरण क्या है? समाधानात्मक भौतिकवाद। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? ये जो प्रस्तुति है इसका नाम जो समाधानात्मक भौतिकवाद है, इससे संबंधित स्वीकृतियां, यानी इसको लेकर इस वर्ड इन शब्दों से लेकर मानव में जो स्वीकृति होती है वो सहज ही है। मतलब भौतिकता और भौतिक वस्तुओं को बौद्धिक समाधान पूर्वक जीने की विचारधारा समाधानात्मक भौतिकवाद में प्रस्तुत है। तो भौतिकता या भौतिक वस्तुओं के साथ बौद्धिक समाधान पूर्वक जीने की विचारधारा, ये समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है। तो इससे पहले भौतिकता को लेकर जो भौतिकवाद में कहा गया वो भोग अतिभोग और बहुभोग की ओर ले गया, और आदर्शवाद में जो भौतिकता को लेकर कहा वो उसके प्रति विरक्ति और त्याग का उपदेश दिया। तो इन दोनों के विकल्प में यहाँ भौतिकता और भौतिक वस्तुओं को बौद्धिक समाधान पूर्वक उनके साथ जीने का की एक विचारधारा को प्रस्तुत किया है। तो ये स्वीकृतियां मानव सहज हैं, मतलब मानव को ये सहज रूप में स्वीकार होती हैं, इसलिए ये सार्वभौम है, है ना? ये सभी जगह सभी लोगों को ये स्वीकार होती हैं। मैं सभी क्वेश्चंस को अभी देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सेशन के बाद में जो चैट में प्रश्न रहेंगे उनका या तो अगले सेशन में कुछ का उत्तर कर लेंगे, या फिर मैं टेलीग्राम के थ्रू उसका उत्तर कर लूंगा, ठीक है? तो आप जरूर इसमें लिखिए, और फ्लो के लिए इसको अभी इसको ऐसे पढ़ेंगे। यह भी देखा गया है कि मानसिक रूप में स्वीकृतियां होते हुए भी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार में प्रमाणित होने में अवश्य ही परंपरा से भिन्नता होना पाया गया। तो ये देखा, तो इसमें इस लाइन का मतलब यह है कि मानव मानसिक रूप में समाधान को स्वीकार करता है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ उसको व्यवहार में प्रमाणित करने में परंपरा उससे भिन्न पाई जाती है, जैसा इसका शीर्ष है। इससे पहले से हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से परिचित हैं, है ना? तो जो भौतिकवाद जो प्रचलित है वो मूलतः मानते हैं कि सब कुछ आपस में एक द्वंद्व या संघर्ष के रूप में है। मतलब हर जहां भी दो इकाइयां हैं वो एक दूसरे के साथ में द्वंद्व के रूप में है, इनके बीच में अपने अंदर भी उनके अंदर द्वंद्व बना हुआ है, और वो परस्पर भी एक दूसरे के साथ में संघर्षरत हैं। तो उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से परिचित हैं। तो अभी तक ये मानव कुल में ये आया ही हुआ है, और वो अलग अलग विधाओं में उसका हम स्वरूप देखते ही हैं, है ना? चाहे वो साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, है ना, या फिर इकोनॉमिक्स हो, उन सभी में मूलतः प्रकृति का नेचर एक प्रकार से प्रकृति का स्वरूप संघर्ष के रूप में है, और उस संघर्ष केंद्रित मानसिकता के आधार पर सारी इन प्रस्तुतियों को रखा गया है, जिसको शिक्षा में लाया जा जिस जो अभी शिक्षा में प्रचलित है। उसकी स्वीकृति अर्थात द्वंद्व के अर्थ में मानव को संघर्ष समझ में आता है, है ना? द्वंद्व का मतलब संघर्ष ही है, और उसको सदा सदा मानव कुल ने स्वीकारा नहीं। तो ये जो है द्वंद्व जो है वो सतही स्तर के ऊपर मानव में रहता है, मानव उसको पूर्णतः स्वीकारता नहीं है, है ना? तो भले ही अपनी मानसिकता में मानव सतही स्तर पर स्वीकार ले, द्वंद्व मानव को पूर्णतः स्वीकृत नहीं होता, है ना? क्योंकि बुद्धि और आत्मा द्वंद्व को स्वीकारती नहीं है, द्वंद्व या संघर्ष को स्वीकारती नहीं है। इसलिए मानव कुल में
एक प्रकार से एक अपेक्षा बनी हुई है कि जो जो सच्चाई है उसको वैसे का वैसा समझने की एक अपेक्षा बनी हुई है। यानी समाधानात्मक भौतिकवाद, यानी समाधान या सच्चाई में जिसमें संघर्ष आपस में नहीं है प्रकृति में, ऐसे स्वरूप में प्रकृति को एक व्यवस्था स्वरूप में समझने की अपेक्षा मानव जाति में बनी है। जबकि परंपरा में अपेक्षा के रूप में समाधान समाया हुआ देखा जाता है, तो ये बात क्लियर हुई। जैसा मेधावियों के सम्मुख द्वंद्वात्मक भौतिकवाद विज्ञान शिक्षा के आधार रूप में प्रस्तुत हुआ है, है ना। तो ये एजुकेशन में जो अभी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो साइंटिफिक एजुकेशन के आधार के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इसका प्रमाण है सारा विज्ञान का सूत्र, सारा विज्ञान सूत्र द्वंद्ववादी है ही। विज्ञान सूत्र का प्रमाण यंत्र होने के कारण के आधार पर शिक्षा परंपरा इसका धारक वाहक है। तो विज्ञान सूत्र का प्रमाण क्या है, वो जो कुछ भी प्रतिपादित करते हैं उसका प्रूफ के रूप में किस चीज को बताते हैं, तो प्रूफ के रूप में किसी लेबोरेटरी में वो डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते हैं, उससे स्टूडेंट्स के अंदर एक स्वीकृति बनती है कि हाँ ये इस प्रकार से है। लेकिन ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यंत्र के द्वारा जो पहली बात तो जो प्रतिपादन मान विज्ञान विधि में किया जाता है वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं के बारे में किया जाता है, उसमें मानव के बारे में प्रतिपादन नहीं रहता या वो मानव के अध्ययन के साथ में लिंक्ड नहीं रहता। तो इसलिए जो कुछ भी प्रतिपादन करते हैं उसके प्रूफ के लिए वो किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी ऑब्जर्वेशन को ही दिखाते हैं, तो उससे क्या है कि मानव इसमें छूटा रहता है। जबकि समाधानात्मक भौतिकवाद या मध्यस्थ दर्शन के अंदर अध्ययन उसी वस्तुओं का हो रहा है ना, अध्ययन अस्तित्व का ही हो रहा है, लेकिन देखने वाला वस्तु जो है जो मानव है वो उसको शामिल करते हुए है ना, और प्रमाण जो है वो मानव को रखा है ना। तो जो वस्तु के बारे में बताया जा रहा है उसके साथ में लिंक जो है वो मानव के साथ में होता है और मानव को फिर प्रमाण का आधार माना जाता है। तो वस्तुएं अपने आप में जो क्रिया करती हैं उनका विश्लेषण करने वाला मानव है, उनका उपयोग करने वाला मानव है और मानव ही प्रमाण का धारक वाहक है। इस तरीके से भौतिकता के साथ भी जो अध्ययन किया जाता है मध्यस्थ दर्शन में वो मानव के जीने से जोड़कर किया जाता है, जबकि भौतिकवादी विज्ञान में जो अध्ययन किया जाता है वो उसको एक एक्सटर्नल एंटिटी के रूप में माना जाता है और मानव जो ऑब्जर्व करता है उसको उसके बारे में कुछ बात नहीं रहती है ना। तो इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी विधि से अध्ययन को किया जाता है, ठीक है। आगे इसको हम और समझेंगे। विज्ञान सूत्र का प्रमाण यंत्र होने के आधार पर शिक्षा परंपरा धारक वाहक है, इसी के आधार पर अर्थात द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर ही कामोन्मादी मनोविज्ञान सृजित होना देखा गया है ना। ऐसे मनोविज्ञान के आधार पर ही हम मानव भोगवादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र को शिक्षा परंपरा में स्वीकार लिए। तो ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार ही पर ही कामोन्मादी मनोविज्ञान और भोगोन्मादी समाजशास्त्र लाभोन्मादी अर्थशास्त्र को शिक्षा में ले आए। इसी द्वंद्ववादी जंगल में मूल्य चरित्र और नैतिकता को खोजे जा रहे हैं। मतलब हम अपने बच्चों को पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं कि उनके अंदर एक अच्छे आचरण को के स्थापित हो, तो ये सब होने के पर उसका शिक्षा का कंटेंट देखें तो यहाँ पे ध्यान आकर्षण कराया जा रहा है कि शिक्षा के कंटेंट में तो कामोन्मादी मनोविज्ञान है, भोगोन्मादी समाजशास्त्र है और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र है और इसके मूल में द्वंद्ववादी भौतिकवाद है। तो ये सब होते हुए हम कैसे मूल्य चरित्र और नैतिकता को शिक्षा से अपेक्षा कर रहे हैं, ये अपने आप में एक मतलब सोचने की बात है। अभी तक ये किसी देश काल में प्रमाणित नहीं हो पाया है। मतलब ऐसी शिक्षा देंगे और हम चरित्रवान हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो ये किसी भी जगह किसी भी समय प्रमाणित नहीं हो पाया है। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर या समाधान के रूप में जो सहस्तित्व सहज नियम प्रक्रिया और फलन है
है ना, नियम प्रक्रिया और फलन को संयुक्त रूप में कहा गया है सिद्धांत, है ना। सहस्तित्व सहित सहज जो सिद्धांत है इसी के यथावत संप्रेषित करने के क्रम में इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। समाधानात्मक भौतिकवाद मूलतः व्यवस्था केंद्रित अभिव्यक्ति संप्रेषणा है, है ना। तो मूलतः जो है सब कुछ एक व्यवस्था के स्वरूप में है, प्रकृति में सभी जो अवस्थाएं हैं, सभी कुछ जो कुछ भी है वो एक व्यवस्था के स्वरूप में है। तो ये एक व्यवस्था केंद्रित अभिव्यक्ति संप्रेषणा है। यह अस्तित्व में पाए जाने वाले मनुष्येतर संपूर्ण प्रकृति का अध्ययन सहज निश्चय के आधार पर निर्भर है ना? तो ये इस प्रस्तुति के पहले अस्तित्व सहज वैभव को समझना एक आवश्यकता रही है, इसकी आपूर्ति सहज संभव हो गई। तो हम ये प्राकथन जो पढ़ रहे हैं उसमें बाबा जी कह रहे हैं कि जो मानव की अपेक्षा रही और उसके लिए जो आवश्यकता रही है ना, वो उसकी आपूर्ति इसके द्वारा संभव हो गई है। समाधान हर मानव में स्वीकृत है। इसे और विधि से कहा जाए तो सर्वतोमुखी समाधान सर्व मानव में स्वीकृत है, है ना। यहाँ पे स्वीकृत है से आशय है कि ये अगर सर्वतोमुखी समाधान प्रस्तुत किया जाता है किसी को तो वो उसको स्वीकृत स्वीकार होता ही है, है ना, क्योंकि उसके उसके लिए आवश्यकता मानव में बनी हुई है और बुद्धि और आत्मा में और कोई चीज स्वीकार नहीं होती है, ये भी एक बात है। तो इस तरीके से मानव में या मानव जीवन में एक इनकरप्टिबल कोर यानी एक ऐसा मूलतः मानव में एक स्थान है ही जो कि सहीपन को स्वीकार करने के रूप में है। यहाँ पर अगर सच्चाई का प्रस्ताव पहुँचता है समझदारी, तो ये उसमें अनुभव मूलक विधि से अनुभव होना और फिर अनुभव मूलक विधि से जीना उसका संभव हो सकता है। इसी आधार पे अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। मनुष्यत्व प्रकृति में आचरण प्रमाणित है ही, है ना। तो आचरण प्रमाणित होने का मतलब क्या है? मनुष्यत्व प्रकृति मतलब जो मानव के अलावा बाकी प्रकृति है उसमें आचरण प्रमाणित है ही। इसका मतलब क्या है? इसका नीति सूत्र है, प्रस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था में कार्यरत और समग्र व्यवस्था में भागीदारी संपन्न है। तो ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल है ना, यानी एक ये सिद्धांत है कि अस्तित्व में प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था में कार्यरत है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी से संपन्न है। इसी क्रम में मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, परमाणु, अणु, अणुरचित संपूर्ण पिंड, किसी पिंड के सतह पर पाए जाने वाले वनस्पति संसार, जीव संसार इस सूत्र व्याख्या में प्रमाणित होते हैं, है ना। जैसे पत्थर में पत्थर का त्व है ना, मिट्टी में मृदत्व है, गाय में गायत्व है, तो उसकी एक यूनिकनेस है या मौलिकता है जिसके साथ वो अपने आप में एक व्यवस्था है और जो पूरी अस्तित्व की व्यवस्था है उसमें भागीदार है, है ना। तो ये एक प्रिंसिपल जो है इसमें समाधानात्मक भौतिकवाद का सेंट्रल प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम बार बार इस पुस्तक के अंदर आएंगे। मानव में ये प्रमाणित होना शेष है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी जो है ये मानव में प्रमाणित होना शेष है, बाकी में जो है वो प्रमाणित है ही, है ना। तो जीव जानवर, वनस्पति संसार और पदार्थ संसार में त्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदारी का सूत्र प्रमाणित है ही, क्योंकि मानव ज्ञानावस्था में है इसलिए ज्ञान पूर्वक ही ये सूत्र को प्रमाणित कर पाता है। अभी क्या है, वो मानव जो है मानवत्व में स्थापित नहीं हुआ है, इसके स्थान पर जीवत्व के रूप में जीने का प्रयास कर रहा है। तो जीवत्व में जीते हुए भी उसमें मानवत्व की अपेक्षा बनी हुई है, तो ये अपेक्षा के रूप में सच्चाई मानव में स्वीकृत है ना। मानव में सच्चाई के स्वीकृत होने का मतलब क्या है? अभी की स्थिति में अपेक्षा के रूप में स्वीकृत है। अपेक्षा मतलब एक्सपेक्टेशन के रूप में स्वीकृत है, जानने के रूप में स्वीकृत नहीं है।
जानने के रूप में स्वीकृत होने पर तो मानव का मानवत्व सहित ही हो जाता है ना। तो ये एक बात पे बहुत ध्यान देने की बात है कि मानव का जानने के रूप में व्यवस्था स्वीकृत नहीं है, अपेक्षा के रूप में स्वीकृत है ना, अपेक्षा के रूप में स्वीकृत है। जब ये जानने के रूप में स्वीकृत होता है तो फिर वो मानवत्व सहित व्यवस्था और समग्र व्यवस्था में भागीदार हो ही जाता है। इसे अध्ययन गम्य कराने के लिए समाधानात्मक भौतिकवाद है। मानव में समाधान के प्रमाणित होने की संभावना है ना, संभावना मतलब पॉसिबिलिटी कि ये हो सकता है, मानव में समाधान प्रमाणित हो सकता है। मानव तभी समाधान समझदार हो पाता है जब अस्तित्व, जीवन और मानवीयतापूर्ण आचरण अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो ये तीन चीजें जो हैं वो हमको मानव को समझनी है, अस्तित्व का दर्शन होना है, जीवन का ज्ञान होना है और मानवीयतापूर्ण आचरण का ज्ञान होना है। ये तीनों का ज्ञान होने पर मानव समझदार हो पाता है। ये आएगा कहाँ से, मतलब मानव में कहाँ से आएगा, है ना। तो ये इसका उत्तर लिखा कि मानव से ही मानव के लिए सुलभ होना नित्य सहज है। इसका मतलब ये नहीं है कि मानव अपने अंदर से निकाल लेगा, इसका मतलब है एक मानव से दूसरे मानव में अंतरित होना या एक मानव द्वारा दूसरे को समझाने पूर्व समझाएगा उस विधि से ये सहज रूप से आएगा, है ना। और इसी विधि से ये प्रस्तुत हुआ है तो यह हो भी रहा है, एक मानव दूसरे को समझाने का प्रयास है, उसी अर्थ में ये पुस्तक भी लिखी जा रही है ना। तो मानव से ही मानव के लिए सुलभ होना, है ना, ये समझदारी का अंतरण है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर पहले से समाया हुआ है और हमारे में से आ जाएगा, ऐसा यहाँ आशय नहीं है। जो समझदार है वो दूसरे को समझाता है, इस विधि से ये एक से दूसरे में परंपरा विधि से अंतरण होता है ना। समाधान का तात्पर्य क्यों और कैसे के उत्तर के रूप में है। मानव व्यवहार में संपूर्ण समाधान नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय और धर्म सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परम सत्य रूपी सह अस्तित्व ही होना पाया गया है। मानव व्यवहार में संपूर्ण समाधान किस रूप में है, नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म सार्वभौम व्यवस्था के रूप में परम सत्य रूपी सह अस्तित्व ही होना पाया गया है। तो बाबा जी ने बताया था कि 6 डिजिट के अंदर या 6 शीर्षों के अंदर उनकी पूरी बात को कहा जा सकता है और वो सूत्र है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। यहाँ पर उसी बात को कहा गया है। यह नित्य समीचीन है ना। समीचीन शब्द मेरे को दर्शन में ही सबसे पहले मैंने पढ़ा था। समीचीनता का अर्थ है सबको सर्वदा सुलभ और समीप होने से है, समीपस्थ होने से है ना। तो ये चीज एक और बात कही जा रही है कि इसके लिए हमको कहीं बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। इन चीजों के लिए, ये प्रकृति को समझने के लिए, ये सच्चाई को समझने के लिए, सच्चाई मानव के समीचीन है, नियम, न्याय, धर्म, सत्य, नियंत्रण, संतुलन, इन चीजों को समझना मानव के लिए समीचीन है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें कोई पहाड़ नहीं खोदना है इन चीजों के लिए, ये हमें निरंतर सर्वदा सुलभ और समीप है ना। समीपस्थता ये सहस्तित्व विधि से प्रमाणित है। सहस्तित्व एक दूसरे के साथ होने के अर्थ को प्रतिपादित करता है। यह व्यापक में, व्यापक वस्तु में संपृक्त अनंत एक एक वस्तु की हैसियत से पता लगता है, है ना। तो सभी एक एक वस्तुएं जो हैं व्यापक वस्तु में संपृक्त हैं, इसलिए एक एक दूसरे के साथ भी हैं। इसे अध्ययन करने की संपूर्ण प्रक्रिया सहित, है ना, तो ये समाधानात्मक भौतिकवाद जो है इसको अध्ययन करने की संपूर्ण प्रक्रिया के सहित प्रस्तुत हुआ है। दूसरी विधि से अस्तित्व ही सह अस्तित्व रूप में वैभवित है। सह अस्तित्व का मूल आशय व्यापक वस्तु में एक एक रूपी अनंत वस्तुओं की अविभाज्यता ही है। हर एक वस्तु जड़ चैतन्य के रूप में प्रमाणित है। प्रत्येक मानव जड़ चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है।
इस वांग्मय में परमाणु विकसित होने, जीवन पद प्रतिष्ठा में वैभवित होने का अध्ययन है। बढ़िया, तो इसमें ये प्रत्येक मानव जड़ और चैतन्य का संयुक्त साकार स्वरूप है, ये बात क्लियर है ही। हर एक वस्तु जड़ और चैतन्य के रूप में प्रमाणित है, ये वाली बात है। इस वांग्मय में परमाणु के विकास के बारे में चर्चा है ना, और जीवन पद प्रतिष्ठा में वैभवित होने का अध्ययन है। गर्भाशय में मनुष्य शरीर की रचना भी प्राण कोशिकाओं से रचित होना स्पष्ट हो चुकी है ना, तो ये तो स्पष्ट है ही, मानव शरीर की रचना जो है प्राण कोशिकाओं से रचित होती है। फलस्वरूप जीवन सहज जागृति पूर्वक अस्तित्व समय समझ में आने, अस्तित्व सह अस्तित्व विकास जागृति रासायनिक भौतिक रचना विरचना हो कि क्रम विधि सहज प्रयोजन इस वांग्मय से संपन्न होने का आशय है। तो ये एक प्रकार से समराइज कर दिया है कि इस पुस्तक में इस हम क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे। आगे ए नागराज, श्री भजनाश्रम, श्री नर्मदांचल, अमरकंटक, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश। अनुक्रमणिका को हम छोड़ के सीधे अध्याय एक पर आ जाते हैं। तो अब हमारे पास में बिल्कुल क्लियर है कि हम इस पुस्तक में क्या, ये पुस्तक काफी सार गर्भित है और है ना, परमाणु का विकास और इस इन इनके बारे में जो प्रतिपादन है, प्रतिबिंबन, प्रकाशन और इनके बारे में काफी डिटेल में यहाँ पर बात रखी गई है। तो दर्शन में जो अवधारणाओं को दिया गया है, बाद में उसको चर्चा के रूप में एक्सप्लेन किया गया है ना। तो दर्शन में जो प्रस्तुत किया जाता है, वहां पे ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ऐसा है ना, इस रूप में ये वस्तु है, ये दर्शन का मतलब है। वाद में क्या है, अब ये जो वस्तुएं हैं, अब इनका आपस में क्या अंतर संबंध है, मानव इनके साथ में जब उपयोग सदुपयोग करता है, तब उसके साथ में व्यवहार उपयोग करता है, तब इनके साथ में तब तर्क बनता ही है ना। तो उस तर्क को, उन तर्कों को प्रस्तुत करने की बात है ना, और उसके साथ में वर्तमान संदर्भों के साथ में भी जोड़ा जाता है ना। तो वाद जो है वो वर्तमान संदर्भों के साथ में जोड़कर बातचीत का एक के रूप में दर्शन को समझाने की बात रहती है। तो समाधान और द्वंद्व, ये शीर्षक है अध्याय एक का। समाधानात्मक भौतिकवाद के नाम से मानव में अनेक प्रश्न को उभरना स्वाभाविक है। जब से मानव सुनने सुनाने योग्य हुआ, मतलब ये क्या हुआ, जब से मानव में भाषा विकसित हुई है ना, तभी से सुनने सुनाने योग्य हुआ। जब से मानव सुनने सुनाने योग्य हुआ, तब से भय और प्रलोभन वश ईश्वरवादिता क्रम में ईश्वर को श्रेष्ठ और जीव जगत का कर्ता भर्ता और हर्ता मानता ही आया है ना। तो जब से भाषा विकसित हुई, आदर्शवादी परंपरा का स्थापना हुई, तब से ईश्वर को एक श्रेष्ठ पवन पावन रूप में स्वीकारा गया और जीव जगत जो कुछ भी प्रकृति के रूप में प्रस्तुत है, उनका करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला और उनको उनको मारने वाला है ना, उसके लिए जिम्मेदार ईश्वर को स्वीकारा गया। कुछ समय बाद भौतिकता का नाम आया, तब से भौतिकवादी भौतिकता को अपने में द्वंद्व ही बताते आए हैं है ना। तो इससे पहले भी भौतिकवाद एक प्रकार से रहा ही, क्योंकि जब मानव धरती पर प्रकट हुआ तो सबसे पहले भौतिकता के रूप में ही अपने आप को देखा और संसार को देखा, लेकिन भाषा आदि जो है वो विकसित हुई आदर्शवाद के द्वारा। आदर्शवाद ने जब भाषा दे दी तो भौतिकवादी उस भाषा को लेकर उसको अपने तरीके से भौतिकता को डिस्क्राइब के रूप में करने के रूप में चले गए और भौतिकता को अपने आप में संघर्ष के रूप में बताते हुए उन प्रतिपादनों को कर दिया। तो ईश्वरवादी विधि ने ईश्वर की महिमा से आदर्शों को स्थापित करने की बात की विधि से बात की, भौतिकवादिता ने उन चीजों को नकार के भौतिकता के अंदर को ही एकमात्र सच्चाई मानकर
उस भाषा का प्रयोग कर दिया। द्वंद बताने वाले अपने को अत्यधिक वैज्ञानिक मान लिए हैं, है ना। तो ये जो तो एक प्रकार से ये कमेंट है ना, कि ये वैज्ञानिक लोग जो हैं, जो कि वो प्रकृति को एक द्वंद के रूप में, एक संघर्ष के रूप में बताते हैं, वो अपने आप को अत्यधिक वैज्ञानिक मान लिए हैं, है ना, अपने को विशेष ज्ञान से संपन्न मान लिए हैं, और वो विज्ञान को विधिवत अध्ययन मानते हैं, है ना। ये भी एक मतलब उनके ऊपर एक कमेंट है कि आप विज्ञान को सिस्टमैटिक स्टडी किस आधार पे कहते हो, है ना। विधिवत अध्ययन का सार केवल उनके तर्क संगत होने से है ना। तो वो केवल ये चीज है कि लॉजिकल होने के आधार पे हम विज्ञान को सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं, लेकिन विधिवत अध्ययन का मतलब क्या है? विधिवत अध्ययन का मतलब है जो मानव को जीने में, जो उसकी मानव सहज अपेक्षा है, वो पूरी जब तक भरती नहीं है तब तक विधिवत अध्ययन हम इसको कैसे कहें। जब तक मानव की जो ज्ञान को लेकर अपेक्षा है वो पूरी नहीं होती है तब तक विज्ञान को विधिवत अध्ययन कहना ठीक नहीं है, है ना। इस विधि से अथवा उपक्रमों से मानव ने भौतिक संसार में संघर्ष विधि से विकास को माना, जबकि आदर्शवादियों ने जगत को ईश्वर की कृपा से उत्पन्न मान लिया, है ना। तो दो विधि से मानव ने भौतिक संसार को किया, तो एक तो मानव ने भौतिक संसार को संघर्ष विधि से विकास मान लिया, है ना, कि संघर्ष पूर्वक विकास होता है। तो अगर मान लो आपको मानव को अगर कुछ डेवलप करना है तो उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मेनली उन्होंने ये पहचाना कि स्ट्रगल की जो है वो नेचर का नियम है। तो इसलिए अगर मानव को कुछ भी उपलब्ध करना है, कुछ भी पाना है, तो उसको संघर्ष करना ही पड़ेगा, ऐसी मान्यता का विकास शिक्षा के द्वारा किया गया और इससे तर्कों को विकसित किया गया। जबकि आदर्शवादियों ने जगत को ईश्वर की कृपा से उत्पन्न मान लिया, है ना। द्वंद कहने के मूल में अंतर विरोध और बाह्य विरोध नामक दो बातों को स्वीकारते हुए अंतर विरोध को विचार विकास का आधार बताया गया, है ना। तो इसमें द्वंद किस रूप में पहचाना गया? द्वंद को भौतिकवाद ने अंतर विरोध यानी अपने ही अंदर कुछ विरोध का स्वरूप है, और बाह्य विरोध मतलब दूसरों के साथ में विरोध। इन दो ये दो चीजें वास्तविकता है ऐसा मान लिया, और अंतर विरोध को विकास का आधार माना कि, है ना, जो विकास हो रहा है वो अंतर विरोध के आधार पर हो रहा है, और बाह्य विरोध को संघर्ष पूर्वक स्वैवैभव यानी अपने वैभव को, अपनी ताकत को प्रदर्शित करने का आधार बताया गया, है ना। तो इस प्रकार से, है ना, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ऐसा इस रूप में प्रस्तुत किया गया कि इकाइयों में अपने अंदर एक अंतर विरोध है और बाहर भी विरोध है। अंतर विरोध जो है वो अपने विकास के रूप में है, और बाह्य विरोध जो है अपनी ताकत को प्रदर्शित करने के रूप में है। जबकि वास्तविकताओं का परिशीलन करने पर, है ना, ये वास्तविकताओं का परिशीलन किस विधि से किया गया? अनुभव मूलक विधि से परिशीलन करना, मतलब उनको जांचा गया। वास्तविकताओं को जब जांचा गया तब उसके विपरीत तथ्य उभर कर आए, है ना। जैसे इसमें अब ये प्रतिपादन, ये मध्यस्थ दर्शन के प्रतिपादन है कि प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है कि हर एक इकाई जो है वो अपने वातावरण सहित संपूर्ण है। इसका उदाहरण देखें तो एक वृक्ष की जो संपूर्णता है वो उसके मिट्टी, पानी, हवा, जो भी बैक्टीरिया, मधुमक्खियां होती हैं, पशु पक्षी, ऋतु, स्थान, इसके साथ में है। तो वृक्ष जो है उसकी संपूर्णता को केवल वृक्ष को अलग से निकाल कर अब नहीं पहचान पाएंगे, उसके साथ में उसका पूरा वातावरण जो है, ये जब जो सब चीजें हैं, मिट्टी, पानी, हवा, जो भी कीड़े मकोड़े हैं और जो पक्षी पशु उसके साथ जुड़े हैं, है ना, और जो ऋतु संतुलन उसके साथ में है, तब हम उसको उसके वृक्ष की संपूर्णता को पहचान सकते हैं। तो संपूर्णता या समग्रता में देखते हैं तो हम पेड़ को उसके वातावरण के साथ में जोड़ करके देखते हैं, है ना। तो उसी तरीके से इस अध्ययन में हरेक एक को उसके वातावरण के साथ जोड़ के अध्ययन करने की बात की गई है ना।
प्रत्येक एक को उसकी समग्रता में पहचानने की बात की। अब मानव का वातावरण क्या है उस रूप में देखेंगे, तो देखेंगे मानव का वातावरण सबसे पहला जो वातावरण है उसका परिवार उसका वातावरण है ना। तो उस विधि से मानव की संपूर्णता, मानव की व्यवस्था का स्वरूप को हम पहचानेंगे। तो मानव का अकेले में अध्ययन नहीं हो सकता, जैसे पेड़ को आप उसकी मिट्टी पानी उसके साथ में अलग करके, हवा से अलग करके पेड़ का अध्ययन नहीं कर सकते, वैसे ही मानव को उसके परिवार से अलग करके आप उसका अध्ययन नहीं कर सकते, है ना। तो हम अपने आप का भी अध्ययन करेंगे, है ना, तो भी उसमें हम उसमें अपने आप का भी अध्ययन करेंगे, तो हमें अपनी पहचान का भी स्वरूप संबंधों के साथ में ही हो पाता है, ठीक है। तो प्रत्येक एक अपने त्व सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन कही थी कि त्व जो है वो मौलिकता को कहते हैं, वो उसकी एक यूनिकनेस है जिससे उसकी पहचान होती है। जैसे नीम का नीमत्व हुआ, गाय का गायत्व हुआ, स्वर्ण का स्वर्णत्व हुआ, तो उसी तरीके से मानव अगर प्रकृति में कोई इकाई है तो उसकी भी कुछ मौलिकता होगी। जैसे सोने की मौलिकता स्वर्णत्व है, मानव की मौलिकता है मानवत्व, तो उसकी पहचान होनी आवश्यक है क्योंकि उसी के आधार पर मानव एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो यह इस दर्शन का मेन जो उद्देश्य है वो है मानवत्व का अध्ययन, है ना, ठीक है। तो मानवत्व का अध्ययन के लिए ये दर्शन है। तीसरा सूत्र है, प्रत्येक एक अपनी स्वभाव गति में विकास की ओर और आवेशित गति में ह्रास की ओर गतिशील होता है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इसमें ये भी सूत्र है कि इसमें ह्रास और विकास की गतियों की दिशाओं को पहचाना गया है ना। और ये पहचाना गया कि जब कोई इकाई अब उसकी स्वभाव गति में होती है तब वो विकास है ना या अपनी नियति क्रम में आगे की ओर बढ़ता है, और जब वो आवेशित स्थिति में होता है तब वो ह्रास को की ओर गतिशील होता है। तो अब हमको स्वभाव गति जो है और आवेशित गति का भी अध्ययन करना होगा कि किस चीज को मानव की स्वभाव गति कहेंगे, किस चीज को मानव की आवेशित गति कहेंगे, और वो किस प्रकार से बेसिकली देख पाई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि स्वभाव गति और आवेशित गति परस्परता पर आधारित होती है। परस्परता के आधार पर स्वभाव गति और आवेशित गति की पहचान है। तो मानव को जब उसकी स्वभाव गति में इस्टेब्लिश करते हैं, यानी उसकी परस्परता उसकी अपेक्षा के अनुरूप बनाते हैं, उसकी मानव सहज अपेक्षा के अनुरूप बनाते हैं, उसको ऐसा वातावरण दे दिया जाता है जहाँ पर उसको ज्ञान की उपलब्धता होती है और उसको समझने का स्वरूप होता है, तो उसका नेचुरली एक विकास होता है ना, उसका नेचुरली विकास होता है ज्ञान अवस्था के रूप में अपनी व्यवस्था को पाने का। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है लेकिन इसको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चौथा, परस्परता परस्पर नैसर्गिकता, नैसर्गिकता मतलब जो उसका उसके साथ में रहने वाले के रूप में, परस्पर नैसर्गिकता में ही आवेशित गति और स्वभाव गति का होना स्पष्टतः पाया जाता है। तो एक बार पुनः हम इसमें ये चार सूत्रों को फिर से एक बार देख लें। प्रत्येक एक अपने वातावरण सहित संपूर्ण है ना। तो यहाँ पे समग्रता में अध्ययन का को लेकर बात की गई है कि इकाई का अध्ययन करने के लिए उसके वातावरण के साथ में अध्ययन किया जाए, है ना, आइसोलेट करके उसका अध्ययन ना किया जाए, उसको काट फांट के एक माइक्रोस्कोप के अंदर लाके विखंडन विधि के स्थान पर समग्रता में अध्ययन की बात यहाँ पर की गई है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, इकाई अपने वातावरण सहित संपूर्ण है, समग्रता में वस्तुओं की पहचान करनी है। दूसरा सूत्र है, प्रत्येक एक अपनी मौलिकता या त्व के सहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है। ये एक अंडरलाइन प्रिंसिपल जो है सारी प्रकृति की इकाइयों के साथ में बना हुआ है। प्रत्येक एक मतलब प्रकृति की इकाई के रूप में अपने त्व सहित व्यवस्था है, मतलब हर एक के अंदर एक यूनिकनेस है ना, और उस यूनिकनेस के साथ में वो एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदार है।
फिर उसके बाद तीसरा जो है ये पहचाना गया है कि इनकी इनमें एक क्रम है ना, विकास और ह्रास का क्रम है, तो ये पूरा एक अनुक्रम के रूप में पहचानते हैं। तो उस अनुक्रम में आगे की ओर गति और पीछे की ओर गति, यानी विकास की ओर गति और ह्रास की ओर गति को पहचाना गया है। तो इकाई का विकास और ह्रास जो है वो उसकी स्वभाव गति में विकास होता है और आवेशित गति में ह्रास होता है, ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रखा गया है। चौथे सूत्र में ये बोला है कि परस्पर नैसर्गिकता में ही आवेशित गति और स्वभाव गति स्पष्टतः पहचान में आती है ना। तो ये भी अब पता लगा कि आवेशित गति किस प्रकार से होती है और स्वभाव गति किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसके आगे इसको आगे और एक्सप्लेन किया गया है जिसको हम पढ़ते हैं। जैसे यह धरती शून्याकर्षण विधि से अपनी स्वाभाविक गति में निरंतर गतिशील है, यह अपने में से एक व्यवस्था है ही, समग्र व्यवस्था में भागीदारी का प्रमाण एक सौर व्यूह में भागीदारी के रूप में प्रमाणित है। सौर व्यूह में जितने ग्रह गोल हैं उनके साथ अपनी गति को भागीदारी के रूप में अर्पित किया ही है। इससे यह सूत्र निकलता है जो स्वयं व्यवस्था सहज रूप में नित्य वर्तमान रहता है वह समग्र के साथ व्यवस्था में भागीदार हो पाता है ना। तो ये एक सूत्र निकला जो स्वयं व्यवस्था सहज रूप में नित्य वर्तमान रहता है ना। नित्य वर्तमान का मतलब है हमेशा उस स्वरूप में वर्तता ही रहता है ना। तो वो समग्र के साथ व्यवस्था में भागीदार हो पाता है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ होती हैं, स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र के साथ व्यवस्था में भागीदार होना, है ना। हम स्वयं में व्यवस्था में होते हैं तो समग्र में भागीदार हो ही जाते हैं, है ना। यह धरती अपने में व्यवस्था है, इसके साक्ष्य में इसी धरती पर चारों अवस्थाओं ने सह अस्तित्व को प्रमाणित किया है। इसी धरती पर पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था देखने को मिला है। यह सब देखने वाला अर्थात समझने वाला ज्ञानावस्था का मानव ही है। ये सब प्रकार की अभिव्यक्तियां इस धरती में होने के मूल में उसकी स्वभाव गति ही रही है ना। धरती की स्वभाव गति ही रही है क्योंकि प्रत्येक एक अपनी स्वभाव गति प्रतिष्ठा में ही अग्रिम विकास व यथास्थिति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रत्येक एक के लिए स्वभाव गति में सहज ही नैसर्गिकता, वातावरण और परंपरा आदि ये सब अनुकूल रहते आया है ना। तो स्वभाव गति में नैसर्गिकता, वातावरण और परंपरा अनुकूल रहता ही आया है। किसी एक परमाणु या अणु को या एक मानव को स्वभाव गति में रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति अथवा किसी जीव और वनस्पति को उनके स्वभाव गति में रहने योग्य वातावरण, नैसर्गिकता या और परस्परता मिल जाए, तब उनमें जो परिवर्तन देखने में आएगा वो पहले से अधिक दृढ़ता और गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विपुलता की ओर परिवर्तित होता हुआ देखने को मिलता है ना। तो ये एक बहुत ही स्पष्ट बात हो गई कि कोई भी चीज को अगर हमें उसका विकास करना है तो उसके वातावरण, नैसर्गिकता और परस्परता उसके अनुकूल रहना होगा, है ना। तो इकाई का उसके आइसोलेशन के अंदर विकास नहीं किया जा सकता, उसका एक उसकी संपूर्णता उसके वातावरण के साथ ही है और उसकी सहज आवश्यकता, उसको स्वभाव गति में जब स्थापित किया जाता है तब वो स्वभाव गति में जब वो पाया होता है तब उसका अग्रिम विकास होता है। इसे और भी स्पष्टता से देखें कि मानव जन्म से ही अर्थात शरीर यात्रा के समय से ही न्याय का याचक, सही कार्य करने का इच्छुक और सत्य वक्ता होता है ना। तो ये एक बेसिक ऑब्जर्वेशन है जिसको बाबा जी बोलते हैं कि ये मनोविज्ञान का एक आधारभूत बात है कि मानव जब जन्म लेता है ना, जन्म के समय हम देखें बच्चा बिल्कुल एक मासूम एक है ना, एक दिन के बच्चे को हम कल अपने हमने देखा ही होगा, उस शरीर यात्रा के समय से ही वो न्याय का याचक है ना, और सही कार्य करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है ना। बच्चों में ये हम यह बच्चों शिशु की स्वभाव गति है, इसके अनुकूल परिस्थिति, वातावरण, नैसर्गिकता और परस्परता को स्थापित करने की स्थिति में
मतलब जो ये उसकी ये अपेक्षा है, न्याय की याचना करता है, सही कार्य करने का इच्छुक है और सत्य वक्ता है, इसके अनुकूल परिस्थिति वातावरण नैसर्गिकता को स्थापित करने की स्थिति में मानव संतान में क्या स्थापित होगा? न्याय प्रदायी क्षमता, सही कार्य व्यवहार करने की योग्यता और सत्य बोध होने की पात्रता सहज प्रमाणित होती है। उक्त उदाहरण से यह भी हृदयंगम होता है कि मानव परंपरा में सानुकूलता के आवश्यकीय तथ्य स्पष्ट होते हैं। तो अब इससे स्पष्ट होता है कि मानव परंपरा में अनुकूलता का क्या मतलब है। ऊपर स्पष्ट किया गया है, इसके लिए पहले से मानव परंपरा में अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन रूपी अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान सहज अधिकार स्थापित हुआ रहता है, ऐसी सानुकूल परिस्थिति को स्थापित करना संभव हो पाता है। मतलब ये बात कहा कि अगर परंपरा में अस्तित्व दर्शन जीवन ज्ञान मानवीयतापूर्ण आचरण ये शिक्षा में उपलब्ध रहता है ना, व्यवस्था में उपलब्ध रहता है, तो वो मानव के जो बच्चा जन्म लेता है तो वो उसके लिए सानुकूल परिस्थिति है, क्योंकि हर बच्चे में जो कामना है उस कामना के स्वरूप में ये स्थापित रहता है। जबकि मानवेतर प्रकृति अर्थात पदार्थ प्राण जीव प्रकृति सानुकूलता के साथ त्व सहित व्यवस्था के रूप में ही है ना। तो वो बाकी प्रकृति तो अपने त्व सहित व्यवस्था के रूप में ही है। इसमें सानुकूलता का अध्ययन और मानव में सानुकूलता का अध्ययन विधि भिन्न होना पाया जाता है। इसमें क्या भिन्नता है? पदार्थावस्था की वस्तुओं को देखने पर पता लगता है कि मानव निर्मित अधिक आवेशित वातावरण से भी स्वभाव गति में रहने की स्थिति में स्व विकास की स्थिति को प्रमाणित कर लेता है। जैसे एक परमाणु अपनी स्वभाव गति में रहते हुए एवं दूसरा परमाणु अपने आवेशित गतिवश उसमें से कुछ अंशों को बहिर्गत करने के लिए विवश होने की स्थिति में पहले वाला अपने में से बहिर्गत अंशों को आत्मसात करता हुआ मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थावस्था में आवेशित गति में भी पूरक हो पाता है, जबकि मानव आवेशित गतिवश स्वयं भ्रमवश क्षतिग्रस्त होता ही है, अन्य को भी क्षतिग्रस्त कर देता है। पदार्थावस्था में अपने समृद्ध होने के लिए जितने भी प्रकार के परमाणु अणु अणुरचित पिंडों के रूप में समृद्ध होने तक स्वभाव गति और आवेशित गति का परस्पर पूरक होना स्पष्ट होता है ना। तो ये हम ये देखते ही हैं कि भौतिकता में एक दूसरे के साथ में आवेशित को भी पचाने का स्वरूप एक बना ही रहता है। जैसे सूरज एक आवेशित स्थिति में पिंड है, तो बाकी जो ग्रह गोल हैं उसको उसके आवेश को उसके ताप को अपने में पचा रहे हैं, और साथ ही में उस पचाते हुए उसको अपने विकास के लिए उपयोग भी कर रहे हैं, है ना। तो उसके साथ में जैसे धरती पर जो चारों अवस्थाएं हैं वो सूरज के ताप का उपयोग कर ही रहे हैं, और उसके आधार पर एक जो आवेशित स्थिति है वो भी अपनी पूरकता को स्थापित कर पा रही है। प्राणावस्था में वनस्पतियां अपनी स्वभाव गति में रहने के लिए सानुकूल वातावरण चाहते हैं, है ना। तो वनस्पतियों की क्या आवश्यकता है? एक सानुकूल वातावरण चाहिए जो पदार्थावस्था से भिन्न है ना। पदार्थावस्था के लिए जो वातावरण की आवश्यकता है और प्राणावस्था के लिए जो वातावरण की आवश्यकता है, दोनों में भिन्न है, क्योंकि पेड़ जो है उसके लिए उसको बने रहने के लिए एक प्रकार की नैसर्गिकता की आवश्यकता है, दूसरी नैसर्गिकता में वो पेड़ फलता फूलता नहीं है ना। तो सभी वनस्पतियां सभी जगहों पर नहीं हो पाती, या सभी वनस्पतियां जिन जिन गुणों को के साथ में वो वनस्पतियों में अपेक्षित है वो उस वनस्पति को दूसरे स्थान पर लगाते हैं तो उनमें वैसे गुण दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जैसे अमरकंटक में हम देखते थे ब्राह्मी को लगाया जाता है, वही ब्राह्मी को आप है ना प्लेन्स में लगाकर देखिए तो उसमें जो गुणों का देखा जाता है वो गुण उनमें वैसे गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना। उनकी उसकी क्वालिटी वैसी नहीं बन पाती है। तो वनस्पतियां मूलतः बीजानुषंगीय व्यवस्था की अभिव्यक्ति है। वनस्पतियों के लिए सानुकूल वातावरण प्रधान रूप से ऋतु संतुलन है ना। तो मानव के लिए सानुकूल वातावरण अपन ने क्या देखा था? शिक्षा और व्यवस्था के रूप में
सानुकूल वातावरण देखा था, जबकि वनस्पतियों के लिए सानुकूल वातावरण केवल ऋतु संतुलन है। ऋतु संतुलन का तात्पर्य आनुपातिक वर्षा का होना, आनुपातीय रूप में शीत होना, आनुपातिक रूप में गर्म होना है। वनस्पतियों में होने वाली दिनचर्या को देखने पर पता चलता है कि ऊपर कहे तीनों प्रकार की उपलब्धियां किसी सीमा तक सह पाती हैं, उसके अनुकूल होना प्रमाणित हो पाता है किसी अनुपात के अनंतर अर्थात किसी अवधि के कम या अधिक होने से प्रतिकूलता प्रमाणित होती है, अर्थात वनस्पतियां मर जाती हैं। वास्तविक रूप में उनके रचना क्रम और वैभव क्रम में प्रतिकूलता उनकी विरचना के रूप में होना देखा जाता है। इसी घटना को मरना भी कहा जाता है। इसका तात्पर्य यही हुआ कि संपूर्ण वनस्पतियां, जीव शरीर और मानव शरीर भी प्राण कोशिकाओं से रचित हैं। इस कारण यह न्यूनतम अधिकतम ऊष्मा में संतुलित रहता है, मतलब एक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के रूप में ये वनस्पतियां सुरक्षित रहती हैं। इसी प्रकार न्यूनतम अधिकतम पानी को पाकर और न्यूनतम अधिकतम ठंडी को पाकर ही अपने संतुलन को स्वभाव गति के रूप में रख पाता है। इसी के साथ ऋतुमान के साथ सानुकूल रूप में धरती हवा उर्वरक संयोग भी महत्वपूर्ण कारक तत्व है। तो मानव का जो शरीर है वो स्वयं एक प्राणावस्था की रचना है और उसके लिए भी अनुकूलता का एक स्वरूप है ही, है ना। तो मानव के लिए इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण की अक्षुण्णता को बनाए रखना एक आवश्यकता भी है, है ना। उसके उसके स्वयं के बने रहने के लिए ऋतुओं का संतुलन बना रखना मानव की अपनी एक आवश्यकता है, ये भी एक स्पष्ट होता है। ऊपर कहे गए सभी तत्व यथा शीत, उष्ण, वर्षा, हवा, धरती और उर्वरकता का संतुलन, यह धरती अपनी स्वभाव गति प्रतिष्ठा के आधार पर स्पष्ट कर चुकी, तभी जीव और मानव संसार इस धरती पर पनपे, है ना। तो ये सब चीजें जो है अपने आप में संतुलित हो चुकी, स्वभाव गति की प्रतिष्ठा में आ चुकी, तभी मानव और जीव संसार इस धरती के ऊपर आगे प्रकट हुए। इस प्रकार इस धरती की स्वभाव गति प्रतिष्ठा में स्थित प्रत्येक मानव को समझ में आता है। अस्तु यानी देयरफॉर प्राणावस्था को संपूर्ण रचनाओं के लिए अपनी परंपरा सहज स्वभाव गति को अक्षुण बनाए रखने हेतु उक्त पांच कारक तत्वों का संतुलित रहना एक आवश्यकता है। क्या पांच कारक तत्व हैं? शीत, उष्ण, वर्षा, हवा और धरती और उर्वरकता का संतुलन, है ना। तो इस प्रकार प्राणावस्था और प्राणावस्था की संपूर्ण रचनाएं पदार्थावस्था से विकसित दिखते हुए वातावरण और नैसर्गिकता सहज कारक तत्वों का सहस्तित्व सहज पूरकता अनिवार्य रहना द्रष्टव्य है। तो इस विश्लेषण में भी अंतर विरोध और बाह्य विरोध के स्थान पर अंतर संबंधों में संतुलन और बाह्य संबंधों में भी संतुलन के संयोग में सामंजस्यता प्रमाणित होती है, यह समाधान का साक्षी है, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना, कि अंतर संबंधों में संतुलन और बाह्य संबंधों में भी संतुलन और इनके संयोग में सामंजस्यता प्रमाणित हो रही है। ये बेसिकली एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि कैसे सामंजस्यता का सूत्र भौतिकता में भी यानी पदार्थावस्था और प्राणावस्था में भी प्रमाणित है और मानव में भी उसी सूत्र की व्याख्या है, पर वो उसका व्याख्या ज्ञानावस्था के अर्थ में है, है ना। ख्याल से अब समय हो गया है, हम यहाँ से ही कल सुबह